यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान और मैं हूं आपके साथ अवंतिका यादव। आज का दिन बीजेपी के लिए बड़ा दिन है, चूंकि 4 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर नतीजे सामने आए हैं और जिन्हें 2019 के ट्रेलर के तौर पर भी देखा जा सकता है। इस ट्रेलर से जो शुरुआती तौर पर तस्वीर नजर आई है उससे बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। 2019 के लिए चुनौती इसे समझा जा सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश के कैराना में विपक्ष एकजुट हुआ तो जिन्ना नहीं बल्कि यहाँ पर गन्ना चलता हुआ नजर आया है। 2019 से पहले जो है ये जो स्थिति अब देखी जा रही है, संपूर्ण विपक्ष जो है एकजुट हो रहा है, जिससे अब जो है यहां पर संपूर्ण विपक्ष एकजुट हो रहा है तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि कर्नाटक की तस्वीर है, जब एचडी कुमारस्वामी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मैज जो है 8 दिन पहले की तस्वीर है जो कि अपने आप में 2019 की जो स्थिति है वो साफ करती हुई नजर आ रही है। इसमें तस्वीर में आप देख सकते हैं कि विपक्ष जो है पूरा वो एकजुट है, एक मंच पर नजर आया है और यहां पर इसी विपक्ष की जीत जो है आज इन चुनावों के माध्यम से होती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है, मोदी जादू नहीं बल्कि महागठबंधन का जादू अब चलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। विपक्ष जो है वो आज खुश है क्योंकि जो तस्वीर है वो विपक्ष की जीत की जो है आज बन रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, चर्चा इसी को लेकर करेंगे। क्या बीजेपी के अच्छे दिन अब दिख रहे हैं? क्योंकि जहां जहां खासतौर पर बीजेपी सत्ता में रखी है, जहां जहां बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहां उपचुनाव में बीजेपी क्यों हार रखी है? क्या तीसरा मोर्चा बनने की जो सुगबुगाहट थी, जिसकी खबरें पहले भी आपको दिखाई थी, साथ ही तस्वीर भी जो दिखाई, क्या वो सिरे चढ़ सकता है? क्या विपक्ष एंटी मोदी और एंटी बीजेपी होकर 2019 में सत्ता में आने पर या फिर बीजेपी को रोकने में कामयाब हो सकता है? चर्चा करेंगे एक खास पैनल के साथ। बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आप हैं, रविंद्र ढोल साहब हमारे साथ हैं, इनेलो प्रवक्ता आप हैं, भारत भूषण जुयाल साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी सह प्रवक्ता आप हैं और राजीव रंजन रॉय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है सभी का इस चर्चा में। भारत भूषण जी, क्या कारण लगते हैं आपको कि बीजेपी जहां भी उपचुनाव लड़ती है ज्यादातर हार जाती है? जहां तक आज के चुनाव का परिदृश्य पर मैं बात करूं तो आपने देखा कि सारा विपक्ष एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा हुआ है जी। और उसका कारण यह है कि मोदी जी के जिस प्रकार से लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार से पूरे देश में विकास के एजेंडे को लेकर के कार्यक्रम चल रहे थे, उससे घबराकर कहीं ना कहीं सब विपक्षी दलों ने यह सोचा कि मोदी जी को रोकना है, भाजपा को रोकना है तो इकट्ठे हो जाओ। अब यह है बात उपचुनाव की। जब राष्ट्रीय चुनाव होते हैं चाहे विधानसभा के चुनाव होते हैं, उस समय ये दल अपना अपना अलग अलग झंडा लेकर के खड़े होते हैं। कारण और आज के कारण में परिस्थितियों में अंतर है। आज इनको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि हम सत्ता में आने वाले हैं, सिर्फ इनको ये लगता है कि किसी तरीके से मोदी जी को या मोदी जी के प्रत्याशी को हमको हराना है, तो इसलिए हुआ है। ये सिर्फ एक समय के लिए क्षणभंगुर है, पानी का बुलबुला है जो आज चला, जिसके चलते एकजुट होना पड़ा विपक्ष को। नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। डर किस चीज का है? प्रजातंत्र व्यवस्था में प्री पोल अलायंस, पोस्ट पोल अलायंस, ये सब तो जायज है। ये तो देश की आज़ादी से पहले भी चुनाव होते थे, उसमें भी इस तरह की पार्टियों का एकीकरण होता था। ये कोई डर की बात नहीं, ये तो व्यवस्था की बात है। तो और जहाँ तक हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि मोदी जी का डर है, व्यू है, ये तो बाई चांस सत्ता में आने वाले लोग हैं। नहीं देखिए, इतना बड़ा जनादेश बाई चांस नहीं मिलता। मैं उसका कारण ना जी, उसका देश की आजादी के समय जो हमारा गणतंत्र लिखा गया, 3 साल का जो संविधान हमारा लिखा गया, उसको ये रिपीट दोबारा से लिखने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। और उसमें ये बंटवारा करते हैं, भाई को भाई से लड़ाना, सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करना, इस तरह के वातावरण पैदा करके देश में अलग अलग परिदृश्य तैयार करके ये सत्ता में आए। आप कहते हैं बाय चांस है, लेकिन नवीन ढुल साहब, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की ओर से भले ही कहा जाए कि बाय चांस जो है सत्ता में बीजेपी जो है बाय चांस मिली सत्ता बीजेपी को, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो स्थिति बन रही है, कांग्रेस जो है वो खत्म होती जा रही है, अब बैक सीट पकड़कर कांग्रेस को चुनाव लड़ने पड़ रहे हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही कही आपने। एक बात बताइए कि आप 2014 के यदि चुनाव को आप असेस करेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला विपक्ष के बिखराव का। और दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस के पास में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में क्रेडिबिलिटी बहुत कम हो गई थी उस समय पर, अलग अलग प्रकार के घोटालों के आरोपों के कारण।
तो वो एक अलग बात है, बाद में उनका क्या निर्णय हुआ, लेकिन आरोपों में भाजपा ने और विपक्ष ने उसे पूरी तरह से घेरा। इसके कारण कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी खत्म हुई और कहीं जाकर के भारतीय जनता पार्टी आई। आज के दिन में सिचुएशन ये है कि आप इसे चांस मानिए या कुछ भी मानिए कि बाई पोल ज्यादातर उस जगह पर ही हो रहे हैं जहां पर भाजपा रूल स्टेट्स है। तो भाजपा रूल स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनादेश है, इसमें कोई शक नहीं है। तो भाजपा के खिलाफ जनादेश और वो भारत के उन बड़े बड़े राज्यों में जिनमें मध्य प्रदेश भी है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है, जिसमें राजस्थान भी है, तो ऐसे में ये भाजपा के लिए बेहद गंभीर स्थिति है। ये देखना कि आप किस प्रकार से, क्योंकि इनके पास में जितनी सीटें आई थी इसमें से मेजोरिटी सीटें इन तीन या चार बड़े राज्यों में से आई थी। यदि इन बड़े राज्यों में भाजपा अपने जनादेश को खोती है तो भाजपा को ये बात निश्चित रूप से सोचनी पड़ेगी कि इनकी पॉलिसी कहां कम। राजीव रंजन रॉय साहब, कैसे देखा जाए आज के जो नतीजे सामने आए हैं उपचुनाव के? इसमें देखिए, बाकी स्टेट्स में जो रिजल्ट्स आए हैं वो ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है। वो उम्मीद की जा रही थी कि वो उसी लाइन पे रिजल्ट्स आएंगे और रिजल्ट्स भी उसी लाइन पे आया। सबसे जो सरप्राइजिंग रिजल्ट आया है वो कैराना से आया है। कैराना से उम्मीद की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी ये सीट रिटेन करेगी, और कुछ दिन पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ रैली भी किया, तो इससे उम्मीद बनी थी कि भारतीय जनता पार्टी ये जीत जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी सीट वहाँ जीत तो नहीं पाई, और वहाँ जो दो इम्पोर्टेंट इसके जो सपोर्टर्स थे आरएलडी के, बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने जमकर के उनके पक्ष में प्रचार भी नहीं किया था। उनको यह उम्मीद थी कि इसकी जरूरत नहीं है और ये आरएलडी के उम्मीदवार जो है वो ऐसे ही जीत जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मैसेज यह है कि जो सोशल इंजीनियरिंग में जो मुसलमानों की भूमिका है वो भी बहुत बड़ी भूमिका रखती है, और मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी अपने पास नहीं जोड़ पाने की वजह से कैराना एक जो कि पॉलिटिकली बड़ा सिग्निफिकेंट सीट है वो हार गया। भालभूषण जी, जिन्ना का हुआ खूब बनाया गया, लेकिन चला आखिर गन्ना? देखिए, कैराना की सीट को अगर हम देखें और उसका विश्लेषण करें तो अभी रंजन साहब ने बहुत बढ़िया बात कही कि राष्ट्रीय लोकदल को सपा बसपा ने समर्थन इस तरीके से दे दिया चाहे वो आपस में लड़ने वाली पार्टियां हैं। आज सपा जो कांग्रेस के विरुद्ध लड़ती थी, बसपा जो कांग्रेस के विरुद्ध लड़ती थी, आरएलडी कांग्रेस के विरुद्ध लड़ती थी, सबने एकमात्र ये एजेंडा बनाया कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। देखिए, तो बीजेपी तो ये कहती है ना कि मोदी आंधी है, मोदी तूफान है, उसको विपक्ष भी एकजुट होकर नहीं रोक सकता। अगर विपक्ष ने आप लोगों को रोका है, खासतौर पर कैराना सीट की बात कर ली जाए, तो सोचने की बात तो है आप लोगों को। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं थोड़ा सा वही स्पष्ट करना चाहूंगा, एक सेकंड का समय दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए विश्लेषण का समय तो है ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपनी नीतियों का विश्लेषण करने का समय नहीं है। यह समय है कि जिस प्रकार से विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा, जिन मुद्दों को उठाया, उन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश को विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से वहां पर ध्रुवीकरण किया गया मुसलमान वोट का, किस प्रकार ध्रुवीकरण करके ये साबित करने की कोशिश की। आरोप बीजेपी पर लगती है कि जिन मुद्दों को लेकर आप लोगों ने हलचल क्रिएट किया, बवाल एक बना, और जिस तरह से सियासत की गई, विपक्ष आरोप लगाता है वो काम नहीं आया। मैं वही स्पष्ट करना चाहूंगा, एक आरोप विपक्ष ये लगा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान विरोधी हो गई। किस कारण से? तीन तलाक के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से ऐतिहासिक निर्णय लिया मुस्लिम बहनों के पक्ष में, वो मुस्लिम बहनों ने स्वीकारा उत्तर प्रदेश के और उसके बाद के चुनाव में मुस्लिम बहुत सीटों पे। आज सारा का सारा विपक्ष जो है इस बात को ऐसे लेकर के चल रहा है मुसलमान भाइयों के बीच में कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के परिवारों को इस तरीके से बीजेपी करती थी, लेकिन अब अगर कांग्रेस जो है इसको लीड कर रही है तो बीजेपी जो है इसको दूसरे तरीके से देख रही है। देखिए, मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा, आज से पहले भी कांग्रेस के विपक्ष में भी एक बार जनमत एकत्र हुआ था, लेकिन मुद्दा क्या था? तब इमरजेंसी का मुद्दा था, आपातकाल के बाद जिस प्रकार से विपक्ष इकट्ठा हुआ था, लेकिन उसमें विपक्ष में भी फूट पड़ी। विपक्ष में फूट पड़ने का कारण क्या रहा? उस समय भी जनता पार्टी के गठन के समय पे भी भारतीय जनसंघ ने भारतीय जनसंघ ने अपना विलय किया, और उसमें भी जो महत्वाकांक्षी लोग थे जो कांग्रेस की पृष्ठभूमि से थे उन्होंने ही जनता पार्टी। जिस तरह से विधानसभा चुनाव की यूपी की बात कर ली जाए, विधानसभा चुनाव के बाद तीन सीटों पर बाईपोल किए गए, तीनों सीटों पर बीजेपी हारी है, क्या लगता है एंटी इनकम्बेंसी है जो कि बहुत शुरुआती दौर पर? बहुत ज्यादा। आप देखिए कि या तो हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा के बाद में मैं उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले सकता हूँ। इतनी जल्दी अपनी लोकप्रियता खोने वाली सरकार यदि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की मानी जाए हरियाणा के बाद, तो इसमें कोई गलत नहीं कहेंगे हम। कैराना के अंदर इन्होंने ध्रुवीकरण का
की शुरुआत 2013 में की थी जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, इनमें भाजपा के ही विधायक के ऊपर आरोप लगे। दूसरा ध्रुवीकरण किया गया जब मुस्लिम जो पलायन का एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उठाया गया राष्ट्रीय स्तर पर, ये वही सीट है, मैं इनको बता देना चाहता हूँ, जहां पर ये पलायन का कथित मुद्दा इन्होंने खड़ा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, और जिसे आज वहां के लोगों ने जो है थप्पड़ मार करके इनको बताया है कि यहाँ पर सामाजिक सौहार्द और भाईचारा हमेशा कायम था और कायम रहेगा। मुद्दे हमारे गन्ने के थे, 15,000 करोड़ की यदि बकाया है गन्ना किसानों का, तो वो इनको भाजपा को उसके ऊपर उत्तर देना चाहिए, ना कि वहां पर किस जाति, किस प्रजाति या किस धर्म का व्यक्ति वहां पर रहता है। लेकिन क्या वजह आपको नजर आती है कि बीजेपी अपनी ही जो सीटें हैं वो नहीं बचा पाई है, क्योंकि नूरपुर को गढ़ माना जाता था भाजपा का, वो हाथ से निकल गया है, पालघर में जो है इज्जत बची है, लेकिन इसके अलावा कैराना जो है वो हाथ में नहीं रहा है, हालांकि ना यहाँ पर जो है इमोशनल वोट भी यहाँ पर मृगांका सिंह को नहीं मिले। देखिए भारतीय जनता पार्टी ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, इनका जो एजेंडा था वो डेवलपमेंट का एजेंडा था काफ़ी। अब जब विधानसभा के जो जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, रिसेंटली जो स्टेट्स में जो असेंबली इलेक्शंस भी हुए हैं, वहाँ डेवलपमेंट का एजेंडा को भारतीय जनता पार्टी इनकेस नहीं कर पा रही है। मुझे लगता है कि सरकार और लोगों के बीच में जो एक गैप होता है, वो भारतीय जनता पार्टी उस गैप को कम नहीं कर पा रही है, और कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है लोगों से, और इसके अगेंस्ट में जो एक परसेप्शन बनते जा रहा भारतीय जनता पार्टी के बारे में, जो परसेप्शन बनते जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एंटी मुस्लिम है, एंटी ओबीसी, दलित हिंदूज है, ये परसेप्शन कहीं ना कहीं फिर ये स्ट्रांग होती जा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे लगता है कि अलर्ट के रूप में उनको लेना चाहिए। रंजन जी ने स्पेस जो एक क्रिएट हुआ है उसमें जनता और बीजेपी के बीच में विपक्ष आ गया है, ये 2019 में भी आप लोगों के लिए चेतावनी हो सकती है अगर सोच के चले। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रंजन जी ने बहुत सटीक बात कही, और यही असली मैं वास्तव में एक विश्लेषक का काम है, मैं इनके विश्लेषण की बड़ी दाद देता हूं कि इन्होंने सही बात निकाली है कि विकास के एजेंडे पर जहां भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है उसको वो पूरे तरीके से अपनी जनता के बीच में उसको लेकर के नहीं जा पाई है, ये बात है, ये बात सत्य है, और उसके लिए आप कहें कि चेतावनी के रूप में मैं स्वीकार करता हूं, जनादेश को स्वीकार करता हूं, और इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि जिन मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, चाहे केंद्र में चाहे इतने राज्यों में, कहीं ना कहीं हमारे और जनता के बीच में उन मुद्दों को लेकर जितने हमने अच्छे काम किए उनको उतनी पूरी तरीके से हम प्रकाशित या प्रसारित नहीं करते। अब जो नतीजा है उस पर हार का ठीकरा किसके सर पर फूटने वाला है? हार का ठीकरा फोड़ने का प्रश्न ही नहीं होता कि हम ये कहें कि एक व्यक्ति विशेष ने, ये तो जिस प्रकार महाभारत काल में ले लीजिए, रामायण काल में ले लीजिए, जो धर्म युद्ध लड़ रहे होते हैं उनके विरुद्ध में ऐसी ताकतें इकट्ठी होती ही रही है, और अंत में धर्म की विजय होती जाती है, तो चाणक्य के बीजेपी के 2019 के चुनाव के लिए मैं इसे बेहतर लहर है, फिर अगर बीजेपी हार जाती है तो उस बात का भी कहीं ना कहीं क्रेडिट लिया जाए ना, कि अगर हारी है तो इसके जिम्मेदार कब है, हार की जिम्मेदारी ली जाए, हार की जिम्मेदारी लेने की बात है। मैं पहले भी मेरी बात अधूरी रह गई थी, मैंने शुरुआत से बताता हूँ, इनका जो एजेंडा है चाहे कांग्रेस हो, इंडियन नेशनल लोकदल हो, या दूसरे प्रदेशों में समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, उन पार्टियों का एक एजेंडा है, नीति है, विकास की कार्य है, या अपना जो एजेंडा जो भी जनता के बीच में जाने का, इनका केवल भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में एक अकेली ऐसी पार्टी है जिसका सिंगल एक एजेंडा है, मैं वो आपको तथ्यों के साथ दूंगा। हिंदू मुसलमान में बंटवारा करना, जाट नॉन जाट में बंटवारा करना, यहाँ तक कि पति पत्नी में, अब जो ये जो इन्होंने अभी अभी बताया ना कि मैं एक ऐसा कानून ले आए हैं महिलाओं ने समर्थन किया, एक छत के नीचे पति पत्नी को भी ठीक से नहीं रहने देते, ये जो बता रहे हैं जी, आप मेरी बात सुनिए ना जी, इनकी टाइमिंग देखिए, गलत बताए तो संसद में बताए सर, मैं बताता हूँ इनकी टाइमिंग देखिए ना, मैं पैनल पर आप लोगों की राय क्या है, मेरी बातें पूरी होती ना जी, टाइमिंग मैं आपको टाइमिंग की बात बता रहा हूँ, उसको ये मुद्दा बनाते हैं जिन्ना को इन्होंने किस टाइम, आने वाले 50 साल में भी इनकी टाइमिंग है कि हमें कहां बंटवारा करना, ध्रुवीकरण कहां करना, और बाई चांस मैंने आपको मैं तीन बार शब्द दोहराया, एक दिन मैंने पहले भी कहा बीजेपी बाई चांस है, क्यों बाई चांस है, दो सीटों से चली, इन्होंने हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ किया, मंदिर का मुद्दा उठा, ये आने वाली इनकी पीढ़ी जो है ये तैयारी करते तो हैं, जो इस तरह करते हैं, कांग्रेस की स्थिति क्या है, मैं बताता हूँ ना, हमने वो विकास की बात करी थी तब भी विकास झूठ चल सकता है, झूठ थोड़े दिन चल सकता है, जीत सत्य की होगी, यही मैं भी कह रहा हूं, कांग्रेस सत्य पे अडिग है, कांग्रेस ने सत्य की लड़ाई लड़ी है देश की आजादी से आज तक, कांग्रेस ने कभी घमंड नहीं किया। मेरी एक शब्द रह गया,
हमने 10 साल तक यूपीए ने शासन किया, हमने तो कभी नहीं कहा बीजेपी मुक्त भारत बनाएंगे। इनकी पहले जो 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी अच्छे प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने क्या नारा दिया, साइनिंग इंडिया। कहां थी साइनिंग इंडिया? आज ये करे कांग्रेस मुक्त भारत। जब इनको गलती रिलीज हुई, दो साल तक ये कांग्रेस मुक्त भारत करते रहे, जब इनको लगा कि भाई ये गलत जाएगी, मैसेज गलत जाएगा, फिर कह रहे नहीं कांग्रेस की विचारधारा से मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत ये अब क्या है, ये मोदी जी ने अब क्या है, जब एक डेढ़ साल तक कौन मुड़ रहा है उस बात से, आज भी आपके प्रधानमंत्री मोड़ रहे हैं, वो आपके आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मोड़ रहे हैं। बोलते हैं कि पीपीपी की ही पार्टी बची है, अभी खुद बोलते हैं पीएम नरेंद्र मोदी ये बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि सिर्फ परिवार की पुडुचेरी और पंजाब की पार्टी बची है, कांग्रेस कांग्रेस पूरे भारत से खत्म हो रही है। यही तो काम करते हैं, ये लिखने बजाते हैं, ये लिखने बजाते हैं, क्यों बची है आपको ये अभी कभी हमारी कर्नाटक में सरकार नहीं बनी, ये दिखाई देती है। एक क्षण के लिए चाहूंगा, अभी शर्मा जी ने एक बात कही कि हम हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की बात करते हैं, बंटवारे की बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि अगर आप अपने तरीके से सही कह रहे हैं, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमान सुरजेवाला जी ने अभी अभी कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो रोहिंग्या मुसलमानों को प्राथमिकता के आधार पूर्वे भारतवर्ष में मकान फ्री में दिए जाएंगे। आप जरा प्रश्न का उत्तर दीजिए कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के कल्याण के लिए कांग्रेस ने कब ऐसा आह्वान किया, कब ऐसा कार्यक्रम चलाया कि सबको मकान दिले। विदेश से आने वाले भगोड़े लोगों के लिए तो कांग्रेस कहती है कि हम मकान बनाएंगे। मेरी शायद इस बात का अगर ढूंढ साहब आप भी उत्तर दें तो आप जहां तक मुसलमानों में बंटवारे की बात कर रहे थे, तो मैं ये कह रहा हूं मुसलमानों का पुष्टिकरण आप करते आ रहे हैं। आपने हरियाणा को तीन हरियाणा जलता रहा, आपके चीफ मिनिस्टर तक क्षेत्र में नहीं गए, कहां थे आपके चीफ मिनिस्टर, ये तो आपके मुख्यमंत्री है, लेकिन इसके बावजूद क्यों हारती जा रही है भारतीय जनता पार्टी जहां भी उपचुनाव होते हैं, हार के लिए क्या कुछ कारण है जो नजर आते हैं? मैं यही कह रहा हूं, मैं इस बात के लिए उत्तर देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यक्रम और जो भी नीतियां हैं वो विकास पर आधारित हैं और राष्ट्रवाद की नीति पर हैं, जो दूरगामी समय में दूरगामी परिणाम लाती है। नहीं सर, देखिए एक समय में आपका एजेंडा भी विकास है, सुनिए, बिल्कुल है, लेकिन उस विकास को 60 साल 70 साल से जो खड्डे भरे हुए हैं उनको भरते हुए जो समय लग रहा है, जनता को विकास नजर ही नहीं आया। फिर ये देखिए, अगर आप इस चैनल पर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के विकास के कार्यक्रम के एजेंडे को चुनौती दें तो मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन कहां है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया। चलिए एक बार केंद्रीय कानून मंत्री को सुनते हैं, क्या कुछ कहना है उनका। उसका इंपैक्ट जनता महसूस कर रही है, इसलिए हमने एक भी भविष्य की योजना सिवाय आयुष्मान के नहीं बताई। इस पूरे 20 मिनट के प्रेजेंटेशन में हमने वही कहा जो हमने किया है और जमीन पर महसूस हो रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि जब मेन चुनाव आएगा तो मोदी जी का काम भाजपा की नियत, स्थायित्व और विकास की अपेक्षा जनता हमारे साथ आएगी। समय क्वेश्चन, समय क्वेश्चन ऑन तेलंगाना, माय क्वेश्चन ऑन तेलंगाना, यू नो दैट मिस्टर केसीआर द तेलंगाना चीफ मिनिस्टर हैज, जब मेन चुनाव जब होंगे जिस वक्त, उस वक्त बीजेपी को फिर से वोट मिलेगा, बीजेपी पर फिर से विश्वास किया जाएगा, लगता है अभी भी बीजेपी को फील गुड फैक्टर है ये अपने आप को फील गुड करवाते रहते हैं और जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। पहले कल तक तो ये सारे विपक्ष के ऊपर हावी थे कि हम ये कर देंगे, नरेंद्र मोदी अकेला एक शेर है जिसके पीछे, मैं आपको बताता हूँ इनके वर्कर्स की, एक शेर के पीछे 50 कुत्ते भी पड़ जाएं तब भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया गया था कि विपक्ष के लिए उनको कुत्ता, उनको बिल्ली, उनको जानवर तक कहा गया और ये शेर है। अब ये शेर क्योंकि अब हार गए हैं, अब उसके बाद में इस प्रकार की बातें करके तो जनता को अमित शाह जी की खड़े हो गए अमित शाह ने कहा ये बात है। एक चीज और यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से अब जो है विपक्ष की ताकत नजर आ रही है, आप कह रहे हैं कि अब विपक्ष जो है एकजुट होता नजर आ रहा है तो मोदी लहर जो है उसकी असलियत सामने आ रही है, लेकिन कर्नाटक में जब एचडी कुमार स्वामी का शपथ ग्रहण समारोह था पूरा विपक्ष एकजुट हुआ, अभय चौटाला भी वहां पर पहुंचे थे, ऐसे में 2019 में स्टेयरिंग किसके पास होगा, वो कहां पर, केंद्र में? केंद्र में देखिए, तीसरे मोर्चे की तरफ से हमने बहन मायावती जी को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, जहां तक बात कांग्रेस की है, कांग्रेस क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो इसके बारे में कांग्रेस को पता होगा। हमारी बिल्कुल सिंपल और स्पष्ट मंशा है कि बहन मायावती को हम यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की रही तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि भाजपा ने केवल और केवल विपक्ष के बिखराव और कांग्रेस की घटती हुई क्रेडिबिलिटी पर कई बार चर्चा की, जवाब लेंगे
लेकिन आपसे सवाल पूछेंगे बकायदा, अभी सुनिए आप। जिस वक्त चर्चा हमने ये की थी तीसरे मोर्चे की सुगुगाहट को लेकर कि कितनी संभावना है, कितनी गुंजाइश है, उस वक्त भी आपने यही कहा था अगर मायावती देश में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के साथ जाना चाहे, जिसमें प्रोजेक्ट किया जाएगा राहुल गांधी को पीएम के तौर पर, तो क्या इनेलो फिर भी साथ रहेगी, समर्थन देगी? राहुल गांधी जी के साथ हमारे होने का कोई मतलब ही नहीं होता, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि हमारी पार्टी और भारतीय बसपा के जो गठबंधन है उसमें ये बातें बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी हैं कि बहन मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा और आने वाले समय में आप उसे देखेंगे। जहां तक बात कांग्रेस की है तो कांग्रेस की नीतियां कांग्रेस जाने, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अमय सिंह जी बड़ा स्पष्ट कह चुके हैं गैर भाजपाई और गैर कांग्रेस गठबंधन होगा हमारा, जो गैर भाजपाई और गैर कांग्रेसी गठबंधन आप चाहते हो और कांग्रेस के मंच पर आप जाकर के खड़े हो खड़े आप दिखाइए, आप दिखाइए फोटो कहां है, आप दिखाइए कर्नाटक आप में फोटो के अंदर अमय सिंह जी हैं, आप दिखाइए या दुष्यंत जी हैं, आपको ड्राइवर सीट तो नहीं थे कांग्रेस के मंच पे, वहां पर भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी नहीं थे। नहीं ढूंढ साहब, इसमें बात ये है, आपके आपके जवाब से ही सवाल निकला है। आपने कहा कि मायावती अगर कांग्रेस के साथ जाना चाहती या कांग्रेस को साथ लेना चाहती तो हमें इस बात से आपत्ति रखी, क्योंकि राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि विपक्ष एकजुट होकर अगर चुनाव लड़ेगा तो मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मायावती अगर कांग्रेस को साथ लेना चाहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं। मैंने ये कहा है कि हमारा समर्थन मायावती के साथ है, कांग्रेस का समर्थन किसके पास है हमें कोई समझ को मतलब नहीं है। हमने अपनी तरफ से प्रधानमंत्री हमें कोई मतलब नहीं है, हमने बहन मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया, हमने कहा है कि कांग्रेस की मंशा क्या है हमें कोई मतलब नहीं है, भले ही कांग्रेस और बीएसपी साथ हमें कोई मतलब नहीं है इस चीज से कि कांग्रेस की क्या, ये तो स्पष्ट करना पड़ेगा। आप गैर कांग्रेस और गैर भाजपा गठबंधन हमारा, अगर मायावती जी कांग्रेस को सपोर्ट दे देती हैं, कब कहा मायावती जी ने, आप मायावती जी से कहवाइए, संपूर्ण विपक्ष में इकट्ठा होना चाह रहा है, एक साथ विपक्ष आया ना, सारा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है तो उसमें बताइए। चलिए आगे बढ़ते हुए भारत भूषण जी, भारत भूषण जी, अभी क्योंकि अभी तक जहां जहां भी चुनाव हो रहे थे वहां पर कांग्रेस को जवाब देना था तो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही थी, चाहे केंद्र की बात कर ले, क्योंकि पहले कांग्रेस जो है वो सत्ता में थी तब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता हाथ लगी, या जिन राज्यों में भी चुनाव हो रहे थे कांग्रेस की जवाबदेही थी, अब भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही बनती है, ऐसे में जवाब देने में आप फेल होते नजर आ रहे हैं। नहीं, क्या क्या जवाब मुझे आप प्रश्न, तभी तो आप यहाँ पर जो है उपचुनाव में हार रहे हैं, जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हारने का कारण मैंने आपसे कहा, जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वहां उपचुनाव हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को हार मिल रही है। मैं वही बात का उत्तर देना चाहूंगा कि जहां जहां भी उपचुनाव हो रहे हैं अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पर जैसे हार रही है, इसका अर्थ यह नहीं है कि 2019 के जनादेश को इसके साथ जोड़ के देखा जाए। मैं तो कह रहा हूं कि यह परिस्थिति, यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं मानता हूं कि मधुर है, इसलिए मधुर है कि एक तो हमें जनता के बीच में अपने आप लोगों के लिए एंटी है, अभी जो माहौल बना है आप लोगों की नीतियां जो के बना रही है वो जनता की समझ से बाहर है। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि अभी बीजेपी के लिए स्थिति मधुर है, क्योंकि जो सीएम योगी हैं वो कभी प्रधानमंत्री के दावेदार बनके मोदी को टक्कर ना देते इसलिए हार रही है ना, तो ये स्थिति के लिए मधुर है। आपका विश्लेषण है, अभी आपका विश्लेषण है, मेरा ये कह रहे हैं कि योगी को भी मोदी को टक्कर ना दे, ये अमित शाह की अभिशान है, मधुर स्थिति बना रखी है ये, कभी कह रहे हैं इसको योगी का कद इतना बड़ा लगता है, ये कह रहे हैं ना अभी मधुर स्थिति होगी, हमने तो नहीं कहा, मैंने योगी मोदी जी की बात की है, मधुर स्थिति होगी, मधुर स्थिति इसलिए कह रहा हूं, सुन लीजिए ना आप, देखिए अगर आप देखिए शर्मा जी, अगर आप मेरी बात को सुन करके बड़ा बढ़िया से तरीके से उत्तर देंगे तो स्थिति ये लगेगी आप वास्तविक सोच करके जवाब दे रहे हैं, खाली हल्ला मजाक करके हम बात को खराब नहीं कर, मैं कह रहा हूं स्थिति किसलिए अच्छी है कि हमें यह सबक दिख रहा है कि जो विकास की नीतियां, जो दूरगामी कार्यक्रमों को लेकर के हम चले थे जनता के बीच में, उनको हम उतनी अच्छी तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसकी वजह यही है कि अगर हम कामों में व्यस्त हैं, कामों को कर रहे हैं और उसको धरातल पर आने में समय लगना है, थोड़ा सा समय उसमें लगेगा, तो वो धरातल पर दिख रहा है और वो दिखेगा 2019 के चुनाव से पहले, वो स्थिति दिखेगी। विस्तार से जवाब दिया, फिलहाल उतना काम किया जाता है उतना ही प्रचार किया जाता है, अगर सड़कें बनेगी उनका प्रचार भी उतना ही किया जाएगा, अगर उपलब्धियां हासिल की गई उनकी प्रचार भी उतना ही किया जाएगा जनता के बीच जाकर, तो क्या यह संभव है कि विकास हुआ लेकिन जनता को बता नहीं पाए? इसकी मुझे लगता है कि ऐसी इसकी पॉसिबिलिटी तो मुझे दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू लोगों से कम्युनिकेट करना और कैडर्स के थ्रू लोगों से कम्युनिकेट करने, दोनों में अंतर है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जब एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं जो ग्राउंड रियलिटीज होती है अगर उसमें मिसमैच हो तो ये एकदम जबरदस्त तरीके से आपके अगेंस्ट जाती है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उस फ्रंट पे भी काम करनी चाहिए, जो बताया उसके विपरीत, हाँ वो, लेकिन जब कैडर्स लोगों से कम्युनिकेट करता है तो वो उनके
क्वेरीज को रिस्पॉन्ड भी करते हैं। मुझे ये देखने वाली बात है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बेहतर तरीके से बता पाएंगे। जो दो महत्वपूर्ण बात जो अभी इस डिबेट में आई, एक यह आई कि थर्ड फ्रंट का स्वरूप क्या होगा। देखिए, थर्ड फ्रंट का सेटल्ड स्वरूप है कि कांग्रेस ने यह तय किया है कि जहां जहां रीजनल पार्टीज स्ट्रांग है उनके साथ वो एलाई करेंगे, उनके साथ अलायंस में वो चुनाव लड़ेंगे। जैसे बिहार में वो ऑलरेडी आरजेडी के साथ है, यूपी में थोड़ा सा उनको करना पड़ेगा एसपी बीएसपी के साथ, हरियाणा में बिल्कुल नहीं करेंगे, वो फ्रेंडली कंटेस्ट करेंगे और हरियाणा में वो 200 सीट पे चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश में पूरी तरह से लड़ेंगे, राजस्थान में लड़ेंगे, कर्नाटक में लड़ेंगे, साउथ में लड़ेंगे। तो ये सेटल्ड इश्यू है। दूसरा है कि ये जो एक महत्वपूर्ण सवाल उत्पन्न हुआ कि इस जीत और हार के लिए भारतीय जनता पार्टी में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सेटल्ड इश्यू है, जीत हार जो भी है वो नरेंद्र प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये उनके द्वारा सारी स्ट्रेटेजी तय होती है और उसमें भी कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं आगे बढ़ेंगे सर। देखिए, मैं कहना चाहूंगा, कौरवों का दल दल अभिमन्यु को हताहत करके ये ना सोच करके बैठ जाए कि महाभारत जीत ली है, अंत में पांडवों का विजय 2019 में ये कौरव बनने से बाहर निकल गया। ये लोगों के रोजगार की बात करो, ये हिंदी भाषा, ये गीता आधा दर्जन भ्रष्ट और जेल जाने वाले ईमानदार है। अगर ऐसे ही कौरव पांडव की बात जेलों में पड़े हैं तो हम मंथन कब करेंगे, चिंतन कब करेंगे, हार का विश्लेषण? हमारे चिंतन का आधार ही यही है कि हम धर्म के साथ, राष्ट्र के साथ चलने वाली नीति के लोग हैं, धर्म के साथ चलने वाले आप हैं। यही भ्रष्टाचारी का संगठन आप बना रहे हैं, ये भ्रष्टाचारियों का संगठन मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बता रहा है भ्रष्टाचार की बात कर रही है, जेलों में बैठे मुख्यमंत्री रहे हैं आने की उम्मीदवारी करते हैं। भारभूषण जी कह रहे हैं कि विकास की नीतियां बहुत बनी लेकिन जनता तक नहीं पहुंची। कांग्रेस कहते हैं कि मार्केटिंग में तो नंबर वन है भारतीय जनता पार्टी, काम नहीं करती लेकिन मार्केटिंग में नंबर वन है। सब पिछले 10 वर्षों में मैं हरियाणा पहुंचाया, इन्होंने हर एक पिछले 10 वर्षों में एक भी बात वर्षों में हजारों करोड़ तो नरेंद्र मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा किया गया खर्चा इसके ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, आरटीआई के माध्यम से पता लगा था। इनके पास में 15 कार्यकर्ता, इनके पास में 150 कार्यकर्ता, पता नहीं 500 इन्होंने पोस्ट लगा रखी है, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट है इन्होंने हर चीज को जमीन पे पहुंचाया। लोगों ने रिजेक्ट किया क्योंकि इनके दावे में और हकीकत में जो है दिन रात का फर्क है। मैं कह रहा हूं, जब गन्ना किसानों के 15,000 करोड़ रुपए बकाया है वहां पर ये फील गुड फैक्टर लेकर के जाएंगे तो उन्हें इसी प्रकार से मात खानी पड़ेगी जैसे इन्होंने खाई है। आप अगर ढूल साहब हमारी नीतियों के बारे में कह रहे हैं कि विकास की नीति स्पष्ट नहीं है, पिछले 15 सालों में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस और इनेलो की सरकार रही है, उतना विकास का कार्य 15 सालों में बता दीजिए, जितना साढ़े तीन सालों में काम हुआ है उसके मुकाबले पिछले 10 सालों में जीरो। आप कहें सड़कों पर, आप भी दौड़ रहे हैं, आप भी शर्मा जी सड़कों पर चल रहे हैं, मजबूर है स्थिति क्या है, चर्चा करेंगे, रुकिए जवाब लेंगे, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद चर्चा को जारी रखेंगे कि बीजेपी को कितना सोचने की जरूरत है, जो परिणाम आए हैं वो 2019 के हिसाब से कितना प्रभावी हो सकते हैं, इंपैक्ट कितना डाल सकते हैं। चुनाव के नतीजे अब लगभग सामने आ चुके हैं, 2019 का ट्रेलर जो है वो इससे अब नजर आने लगा है और ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किलें जो हैं वो भी नजर आ रही हैं, बीजेपी पस्त नजर आ रही है। बिल्कुल, चर्चा कर रहे हैं खास पैनल के साथ, उसके पहले की चर्चा में आगे बढ़े, आपको सुनवा देते हैं कि राजनीतिक बयानबाजियां और प्रतिक्रियाएं क्या रही हैं इन परिणाम को लेकर। सबसे पहले आप सबका मैं धन्यवाद देता हूं, हालांकि परिणाम आप लोगों के माध्यम से और सूचना के माध्यम से दोनों जगह के लगभग परिणाम आ चुके हैं। कैराना लोकसभा और नूरपुर विधानसभा की जीत पर मैं वहां के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सभी मतदाताओं का जो लोकसभा कैराना क्षेत्र के हैं और नूरपुर विधानसभा के सभी मतदाताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। किसानों, पिछड़े, गरीब, दलित, मजदूरों की जीत का यह चुनाव है।
समाजवादी पार्टी समर्थित आरएलडी के प्रत्याशी और जिसको बहुजन समाज पार्टी, आप पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और सभी वाम दलों का सहयोग मिला था, साथ ही साथ कांग्रेस, महान दल, निषाद पार्टी और पीस पार्टी का भी सहयोग मिला, जिसका परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि दोनों सीटों पर भारी अंतर से जीत हासिल हुई है। देखिए, क्रूशल था और नीतीश कुमार जी को सबक सिखाने का काम किया। ये जनता दल यूनाइटेड का घर रहा और इनको बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जनादेश का अपमान करने के कारण। और ये जो जीत है, जनता की जीत है, लालूवाद की जीत है। और लालू जी एक विचारधारा का नाम है और इस वजह से सब लोगों में भारी आक्रोश था कि जिस प्रकार से लालू जी को परेशान किया जा रहा है। शाहकोट के सारे लोगों का बहुत असी सारे पार्टी वालों धन्यवादी हैं जिन्होंने इन्नी गर्मी दे विच सारा साथ दिता। जिस दिन मेरी वो रोड शो हो रही थी, मेरा ख्याल सारा ही शाहकोट निकले हुआ सी और असी उन्होंने बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि साथ भी दिता और अंत विच रिजल्ट जो अज आए ने आउटस्टैंडिंग रिजल्ट ने। असी भी नहीं समझते से कि इन्नी ज़्यादा जावांगे, पर ये कॉन्फिडेंस इन द कांग्रेस पार्टी है। साड़ी पॉलिसीज प्रोग्राम्स जो राहुल जी ने ओवरऑल बनाया, एज यू नो हिंदुस्तान च मेरा ख्याल बीजेपी शायद एक या दो सीटा जीती है, बाकी तो असी कांग्रेस इज टेकन देम। ये झूठ और जुमलेबाज सरकार पे सच्चाई की जीत है, ये आगे चल के बहुत अच्छा है। मैं देख रही हूँ कि सब लोग जो है ना बहुत खुश और बहुत आगे चल के बहुत मजबूत अलायंस बनने जा रहा है। बिल्कुल षड्यंत्र था, मैं अपने स्टैंड पे कायम हूँ और हम चाहते हैं कि आगे जो है कोई भी चुनाव इन मशीनों से ना हो। तो आपने सुना कि विपक्ष जो है उसमें खुशी की लहर जाहिर तौर पर नजर आ रही है, ऐसे में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जो है वो स्टूडियो में मौजूद हैं और ऐसे में राजीव रंजन आपके पास आते हुए आरएलडी के अंदर एक जोश भरने का काम किया। देखिए, आरएलडी जो है पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक मंच से जो उनका पटल से वो बाहर हो गए थे, उनके लिए तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जीत है। अब आरएलडी की चर्चा हो रही है, थर्ड फ्रंट बनेगा तो उसमें उनकी भूमिका होगी, उनके लिए तो देखिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसके रेमिफिकेशंस भी हैं, जैसा कि मैंने कहा कि थर्ड फ्रंट पे, चूंकि यहाँ प्रधानमंत्री जी ने भी काफ़ी प्रयास किया, उन्होंने कुछ दिन पहले वहाँ मेरठ में एक बागपत में उन्होंने रैली भी की, उनका नेचुरली बागपत और कैराना सटा हुआ है, आसपास के सारे इलाके हैं, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया और अमित शाह जी ने भी काफ़ी प्रयास किया और इसके बावजूद वहाँ से आरएलडी की जीत, तो मुझे लगता है उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर ये बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल, मोदी जी भी अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाए। भारतभूषण जी, मोदी जी ने रैली की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले रैली की गई, लेकिन उसका प्रभाव कहीं नजर नहीं आया चुनाव में। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जैसे अभी रंजन साहब ने कहा कि आरएलडी के लिए एक समझिए कि पुनर्जन्म की बात हो गई है, लेकिन इसी राष्ट्रीय लोकदल को हाशिए पर ले जाने वाले कौन थे? यही सपा और यही कांग्रेस, जिन्होंने किसान परिवार से इस देश के आए हुए प्रधानमंत्री को, उनके पुत्र को, जो कि किसान आधारित नीतियों पर निश्चित रूप से बात करते थे और काम करते थे, उसको पश्चिम उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम कांग्रेस ने और सपा ने किया। और आज अगर उनके साथ होकर के हम कहे राष्ट्रीय लोकदल जीत गया, नहीं है, सारे विपक्ष ने जो खड़ा है उन्होंने उनका साथ दिया, ये तो सब मानते हैं, सबने साथ दिया तो सीट जीती है। नहीं, आप सवाल का जवाब दीजिए। लेकिन अगर हम ये कहें कि मोदी जी का असर इस चुनाव पे नहीं रहा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि वोट प्रतिशत में हम गिर गए, वोट हमने हमें नहीं मिला, हम चुनाव हार गए, लेकिन हम कहेंगे राष्ट्रीय नीतियों के विरुद्ध में ये वोट पड़ा है, ऐसा नहीं है। तुष्टीकरण की नीति, तुष्टीकरण की नीतियों का और राष्ट्रवाद के विपरीत में जितने दल इकट्ठे हुए, मानेंगे ये कब तक मानेंगे कि सुनिए एक बार, व्यक्तिवाद की नीति पर वोट, आपका विकास पब्लिक को समझ नहीं आया अभी तक, ये कब तक मानेंगे? जहां जहां उपचुनाव हो रखे हैं, ज्यादातर जगहों पर आप लोग हार रखे हैं, उसके बाद ये कहना, जब सरकार बनती है तो कुछ ना कुछ कमियां समय रहते रहती है, स्वाभाविक बात है, कोई भी सरकार बनेगी, एक ही दिन में सारे के सारे कार्यक्रम विकास के हों चाहे नीतिगत हो, दूरगामी काम एक ही दिन में नहीं होंगे। एमपी और राजस्थान जैसी जगहों की बात कर ले, वहां तो चुनाव करीब है, वहां ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास समय नहीं था विकास करने का। वहां पर हम कह भी सकते हैं ना, इनकम्बेंसी फैक्टर कहीं ना कहीं दिखता है, लेकिन अल्टीमेटली जब पूरा का पूरा परिदृश्य सामने आता है तो जनता विश्लेषण करती है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इन चुनाव के बाद पार्टियां तो विश्लेषण करेंगी, कुछ उत्साहित होकर करेंगी,
कुछ ठंडे मन से करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन पूरे देश की जनता भी अब इसका विश्लेषण करेगी कि कैराना में इतने बड़े प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को अगर हम कहें नकार दिया गया, अगर उसके खिलाफ वोट पड़ा है तो क्यों पड़ा। पब्लिक भी सरना सोचना शुरू करेगी, क्या इस ध्रुवीकरण के साथ चले या इस ध्रुवीकरण के विपरीत में चले, तुष्टिकरण की नीति के साथ राष्ट्र चलना चाहेगा या राष्ट्रवाद की नीति के साथ चलना चाहेगा, ये राष्ट्र अपने आप तय करेगा 2019 के चुनाव से पहले। और बहुत सुगम और बहुत अच्छे परिणाम आप देंगे निश्चित रूप से, 400 से अधिक सीटें लेके भारतीय जनता पार्टी 2019 का चुनाव जीतेगी। हम भी यहीं बैठे होंगे, आप सब यहीं बैठे होंगे, इसी स्टूडियो में बैठकर दोबारा ये बात चर्चा कर लेंगे, जरूर करेंगे। शुभकामनाएं आपको अगर ऐसा होता है, लेकिन अभी इस विषय पर चर्चा कर लीजिए कि आप लोग उपचुनाव हारे हैं। भारत भूषण जी, कांग्रेस इस बात पर कब मंथन करेगी कि कितनी छोटी पार्टियों के साथ, जो कि जिनका आरएलडी की अगर बात कर ली जाए, बाकी दलों की अगर बात कर ली जाए, इतना ज्यादा अस्तित्व नहीं है, देश की सबसे पुरानी पार्टी उनके साथ भी जा रही है, बहुत ज्यादा आप लोगों का जनादेश भी कहीं नहीं बचा है, उसके बाद छोटी छोटी जीत पर आप लोग खुश भी हो लेते हैं, आलोचना भी बीजेपी की कर लेते हैं। कांग्रेस एक समुद्र है और समुद्र में मंथन चलता ही रहता है। हमारे लिए तो ये 24 घंटे काम है, हम मंथन करते रहते हैं, लेकिन हमारा मंथन एक बात पर ही आकर के टिकता है कि आम जनमानस के जीवन स्तर को कैसे सुधारा जाए, आम जनमानस को आगे बढ़ने का मौका कैसे दिया जाए, कैसे किसानों का कर्ज माफ किया जाए, कैसे किसानों को आगे बढ़ने के लिए मौका दिया जाए। परिवर्तन संसार का नियम है, ये आप धार्मिक बात करते हो, इम्प्लीमेंट उसको करते नहीं, इम्प्लीमेंट उसको करते नहीं। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं। जी, जी। मेरे मंथन की पूछी है, मंथन का मैंने जवाब दिया है। कांग्रेस एक समुद्र है, आप ऐसा करिए रोड पे निकलिए, किसी गली चौराहे खड़े हो जाइए, आपको ये सुनने में लगा कांग्रेस एक समुद्र। मुझे तो लोग विधानसभाओं से और लोकसभा तक कांग्रेस का ही समुद्र नजर आ रहा है। आप बनी समुद्र मुझे भी नजर आ रहा है। आप बाई चांस आने वाले लोग हैं, मैं आपको कह रहा हूं 200 से 200 आगे कोई बात नहीं, समुद्र में शामिल होने वाली नदी ये जो सच्चाई है उसको उसको उत्साह तो नहीं भारतीय जनता पार्टी का कि अब अकेले दम पर जो है लड़ने की कोशिश की जा रही है। एनडीए एनडीए जो है उसमें राड नजर आ रही है, सभी जो सहयोगी दल है वो नाराज चल रहे हैं एनडीए एनडीए से। देखिए बहुत बड़ी चिंता की, कई कारण ऐसे हैं जिनके कारण आपस में जब चार दल इकट्ठे होकर के काम करते हैं तो कहीं ना कहीं सबकी अपनी कुछ नीतियां होती हैं, उनमें सामंजस्य बिठा करके जो सत्ता में प्रमुख दल होता है उसको चलना होता है। थोड़ा ना थोड़ा बहुत कहीं विचारधारा का अंतर कहीं ना कहीं होता है और वो स्वाभाविक सी बात है। तो उसके कारण अगर आपस में कोई बात रहती है तो एक एजेंडे पे काम अभी तक चल रहा है और उसी एजेंडे पे चल भी रहे, कहीं थोड़ा कोई विचारों में भेद होता है, ये स्वाभाविक बात है। थोड़ा बहुत विचारों में अंतर है, लेकिन शिवसेना आपके खिलाफ आज खड़े होकर जो है चुनाव लड़ रही है। अगर हम बात कर ले जो यहाँ पर जेडीयू का फिलहाल जो है हाल ही में फिर से विलय हुआ है, ऐसे में नीतीश कुमार नाराज है, जेडीयू मोदी को जो है यहाँ पर पीएम मोदी को अमित शाह को जिम्मेदार ठहरा रहे इस हार के लिए जो बिहार में हाथ लगी है। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती जो है वो भी नाराज चल रही है, इनेलो जो है वो साथ छोड़ चुकी है। अगर बात कर ले चंद्रबाबू नायडू की, वो भी अपनी पार्टी को लेकर अलग हो चुके हैं। अगर एक एक राज्य की बात और एक एक दल को लेकर के चले तो सभी में विभिन्न परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर से मुफ्ती जी को लेकर के चले, चाहे बिहार में नीतीश जी को लेकर के चले, चाहे शिवसेना को महाराष्ट्र में लेकर के चले, तीनों जगह एक ही मुद्दा नहीं है, तीनों के अपने 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 राज्य के अलग अलग मुद्दे हैं, उसमें जो घटक है उनमें मतभेद। मुद्दा एक है, घमंड तो मुद्दा है ना वहाँ, आपका जो घमंड है वो तो मुद्दा है ना वहाँ। हमारा घमंड मुद्दा नहीं है, मुद्दा आपको भी पता है, जम्मू कश्मीर का मुद्दा बताइए किस मुद्दे पर, किसी भी नेता का बयान आता है जम्मू कश्मीर में किस मुद्दे पर जाकर के कहीं कोई बात कहीं विचार में भेद रहता है। दूसरी पार्टियों का या शिवसेना का, उद्धव ठाकरे का बयान आए या नीतीश कुमार जी का बयान आए, वो यही तो कहते हैं कि आप सुनते नहीं हमारी, ऐसा नहीं। मोदी जी का बयान बताइए मुझे, कहां उन्होंने कि मेरी सुनते नहीं है। उनका तो बहुत बड़ा बयान आया, उन्होंने आगे वो तो उनका प्रेशर डाल दिया। आपने अगर एक बात को इसी तरीके से कहना तो आप अपनी बात आप देख सकते हैं ना जी, आप रिकॉर्ड में। मैं ये कहता हूं कि आप इस बात का रिकॉर्ड उठाइए कि आपका घमंड बहुत है, दोनों में आपके जो विचारों का भेद है आप उनको छोड़िए। आपके यशवंत सिन्हा जी ये कहते हैं कि हमने कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं दे रहे ये लोग बात करने के लिए, यशवंत सिन्हा जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, जो आपके पांडे जी ने आपकी, शत्रुघ्न सिन्हा जी कोई घटक दल के नहीं है, वो ये कह रहे कि हमें प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता। आप ये जो आदमी एक बार केंद्रीय मंत्री है आपकी पार्टी में, आप उसको प्लेटफॉर्म किसी को घर बुला करके बात कीजिए या उसके घर जाके बात कीजिए, आप उनको प्लेटफॉर्म भी नहीं दे रहे। आपका घमंड बोलता है, आप कह रहे हैं आपका घमंड बोलता है। अगर कोई चीज इसमें कॉमन है, चंद्रबाबू नायडू
जो कल की स्टेटमेंट में आपको दिखा देता हूं, उन्होंने ये बात आपका गवर्नमेंट बोलता था, एनडीए में जो है राड नजर आ रही है क्योंकि कई सारे घटक दल जो नाराज चल रहे हैं, ठीक है, कांग्रेस जो है वो लुप्त होती जा रही है, ऐसे में इनेलो अपने लिए कहां स्पेस बनाती हुई नजर आ रही है आपको? इनेलो का हरियाणा में अपना स्पेस बिल्कुल वहीं का वहीं खड़ा है, हमें क्षेत्रीय पार्टी है हरियाणा के अंदर, हम हमारा काम कर भी रहे हैं, लगातार करते रहेंगे। राष्ट्रीय स्तर पे हमने बहन मायावती जी को समर्थन दिया है, उसमें कोई गलत भी नहीं है, हमारी पार्टी का निर्णय था और उसका हमें सम्मान भी करना चाहिए, और निश्चित रूप से हम आगे जाकर के इस मामले में कार्य करेंगे कि इस प्रकार तीसरे मोर्चे को जो है मजबूत भी बनाया जाए। जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की, मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि इन्होंने अभी बात की राष्ट्रवाद की, तो वहां पर इन्होंने पीडीपी के साथ गठबंधन कैसे हो सकता है? एक स्पष्ट रूप से देशद्रोही विचारधारा वाली पार्टी के साथ राष्ट्रवादी वाली कथित पार्टी का किस प्रकार का गठबंधन चल रहा है उसके बारे में हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो जनता को मूर्ख बनाने का एक तरीका है। इन्होंने अपने पास में इन्होंने सर्टिफिकेट रखे हुए हैं कि राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी की ये यूनिट यहाँ पर जो है जनता सर्टिफिकेट देती है, सर्टिफिकेट 2014 में सर्टिफिकेट आपको आज आप 2019 में फिर देखिएगा तो दिया ना 400 से 40 पर आने वाली सीटों के पार्टी को बंद करें और अपनी आप देख लीजिए मतदान तो जनता करती है और आगे बढ़े, मतदान तो जनता करती है, स्वीकार करें आगे बढ़े, कौन कह रहे हैं आप स्वीकार नहीं कर रहे? हम तो सहमत कह रहे हैं, ये 2019 कह रहे हैं कि जो जनादेश हमने अभी से पहले ठेका ले लिया कि पूरे भारत की जनता आपको देगी। हम तो ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे कि कैराना में शायद मशीनें आप लोगों ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ 21% मशीनें खराब हुई थी ना कैराना, खराब हुई थी तो मशीन तकनीक से खराब की वजह से पुनर्चुनाव भी पुनर्मतदान भी तो हुआ। अरे देखिए पुनर्मतदान भी तो हुआ कि गर्मी नूर हमने कह दिया जो गलत हो गया वही मानी जाएगी, एक ये ठीक रहा तो आप फोड़ते हैं हारने के बाद जो है जिला में ये ठीक रहा तो ये ठीक रहा तो आप विपक्ष वाले लोग फोड़ते हैं मोदी शाह की जोड़ी को तोड़ना जो है वो मुमकिन नहीं है, लेकिन विपक्ष साथ आता है तो मुमकिन है ये? अब देखिए मुझे लगता है कि एंटी बीजेपी वोट्स अगर डिवाइड नहीं होती है तो नेचुरली बीजेपी के लिए एक खतरे की घंटी है। देखिए जहां जहां भारतीय जनता पार्टी हार रही है उसी वजह से हार रही है, कैराना में अगर सारे लोग चुनाव लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत जाती, नूरपुर में लड़ते तो वहां से वो जीत जाते, लेकिन एंटी बीजेपी वोट्स जो यूनाइटेडली उनके अगेंस्ट में चुनाव लड़ रही है उनके पार्टीज, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज है। अमित शाह जी ने भी एक्सेप्ट किया है कि उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का अलायंस हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उसी प्रकार सबसे बड़ा जो इशू है ये जो हमें समझने की जरूरत है, ये देखिए हर एक जो रीजनल पार्टीज हैं वो एक डिफरेंट सोशल सेक्टर के सोशल सेगमेंट की एस्पिरेशंस को वो रिप्रेजेंट करता है। अब नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार पिछड़ी जाति और मुसलमानों के एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके साथ वो कोऑर्डिनेशन उनकी नहीं हो पाती है। तो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम स्पेशल पैकेज देंगे, वो दे नहीं पाए। तो इस प्रकार से जो मिसमैच हो जाता है कि रीजनल जिसके साथ आप अलायंस करते हैं और उनसे जो कमिट करते हैं उसमें फुलफिलमेंट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां बन रही है। 2000 मुजफ्फरनगर दंगों के जो भी आरोपी रखे उनके मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे, बीजेपी ने यह भी कहा था। अब विपक्ष ये आरोप लगाता है कि जाट समुदाय को अपने साथ लाने की कोशिशें आप लोगों की ओर से की गई, उसमें भी नाकाम रहे। मैं इसको पहले तो एक प्रश्न पहले जो चल रहा था कि 2019 के लिए क्या स्थितियां बनने वाली हैं उसका भी मैं जवाब, उसमें एक सवाल और जोड़ लीजिए कि फॉर्मूला विपक्ष को मिल गया, एक साथ आएगा विपक्ष तो ये फॉर्मूला है जीत का, बिल्कुल ऐसे में बीजेपी का पास क्या तोड़ निकाल। मैं ये कहना चाहूंगा, अब बड़े शालीनता से कहना चाहूंगा, थोड़ा सा इसको ब्रॉड माइंड होकर सोचने वाली बात, ये जो चुनाव हो रहा था ये देश को या किसी प्रदेश को नेतृत्व देने का या सत्ता देने का चुनाव नहीं था, पहली बात। क्यों? जिस समय किसी प्रदेश में या देश के मतलब लोकसभा का गठन होने की बात आएगी, यही दल आपस को आपस में लड़ते हुए दिखेंगे, क्योंकि उस समय इनको निश्चित करना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति इस देश का प्रतिनिधित्व है या कौन व्यक्ति कौन सा दल इस प्रदेश का नेतृत्व करना चाहेगा, उस समय कहीं इकट्ठे होने वाले नहीं, बिखराव का निश्चित रूप से, क्योंकि बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा क्यों नहीं भरोसा, मैं क्या कह रहा हूँ गलत जब आप बोलते मैं नहीं बोलता हूँ बीच में प्लीज मुझे क्षमा दीजिए। मैं ये कहना की कोशिश कर रहा हूँ कि ये देश उस समय निश्चित रूप से प्रदेश भी सोचेगा
कि अगर गठबंधन की सरकार बनने जा रही है नहीं हम क्यों तो इंतजार करेंगे, हम तो अपनी नीतियों का जो हम काम कर रहे हैं या आगे आने वाले समय में होने वाले उनको प्रसारित करेंगे, प्रचारित करेंगे और देश को और प्रदेश की जनता को यह समझाने का प्रयास करेंगे कि इस गलतफहमी में मत रहिए। कीजिए अपना जवाब पूरा करके सुनिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। बालमुकुंद शर्मा जी, तीसरा मोर्चा अगर बना भी लेंगे, सब जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनके जितने भी सुप्रीमो हैं सबकी चाहत यही है कि पीएम की कुर्सी पर वो बैठे। अब मायावती की बात कर ली जाए, राहुल गांधी खुद क्लियर कर चुके हैं 2019 में पीएम बनने को तैयार हैं, ममता बनर्जी की बात कर ली जाए या फिर कई बड़े नेताओं की बात कर ली जाए, तो लोकसभा चुनाव से पहले ये तीसरे मोर्चे की जो बातें हैं ये कितनी सिरे चढ़ेंगे? ये ऐसी जिस तरीके से आप इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं ऐसा नहीं है। हाँ। हमारा जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है वो गंगा जमनी तहजीब को प्रमुखता देता है, उसको इन्होंने आकर के तोड़ा है। एक सीधे शब्द में आप समझिए, देश की आजादी में जो हमने 2.5-3 साल का 1947 से 1950 में एक मिनट में लेके आऊंगा, हमने देश की जो धर्मनिरपेक्ष हमारा स्वरूप ढांचा है उसको इन्होंने तहस नहस कर दिया, हमने उसको दोबारा खड़ा करना है। उसमें से सारे जितने राष्ट्रीय सतर पर जितने क्षेत्रीय सतर पर सारे दल मोर्चा अगर होगा किसकी अगुवाई में होगा, किसकी नेतृत्व में होगा, जी आप इतनी राजनीति, ज्योति जी राजनीति एक सेवा का विषय है, आप इसको भटकाने की बात कर रहे हैं। सेवा का ये जितने दल ये मैं भी कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, लेकिन अगर राहुल गांधी जी के मन में इच्छा होती वो यूपीए टू में चीफ मिनिस्टर बन सकते, यूपीए टू में चीफ वो यूपीए टू में प्रधानमंत्री बन सकते। उन्होंने आपके पत्रकारों का जवाब दिया कि मैं एक भारत का नागरिक होने के नाते मेरी उम्र 25 साल से ऊपर है मैं देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। चाहत नहीं है, चाहत नहीं है, हम देश की जो गंगा जमनी तहजीब है जो धर्मनिरपेक्ष ढांचा है उसको बनाने के लिए मैं तो मेरे जो इंडियन नेशनल लोकदल के साथी ने कहा उनके जवाब का भी बिल्कुल ताकिज करता हूं। उन्होंने मायावती जी को प्रधानमंत्री के लिए डिक्लेयर कर दिया, इन्होंने अपना उनको समर्थन दे दिया। कांग्रेस अपने सत्र पर काम करिए और बहुत से राष्ट्रीय दल है, हम बैठ के ये बैठ के तय होगा, लेकिन सेवा भाव के लिए इनकी तरह धर्मनिरपेक्षता, हम धर्म एक अकेला धर्मनिरपेक्षता संविधान की पहली हमारी शब्द है, हमने किस लिए आजादी लिए 200 साल के संघर्ष आजादी लड़ाई लड़ी है वो धर्मनिरपेक्षता की। आप रोहिंग्या मुसलमानों को बुनियादी ढांचा में नहीं होने देंगे, रोहिंग्या मुसलमानों को बुनियादी ढांचा है वो सुविधाएं देने को तैयार है, इसका उत्तर दीजिए। धर्मनिरपेक्षता देश ही सुन रहा है, धर्मनिरपेक्षता शर्मा जी आपसे धर्मनिरपेक्ष की बात, शर्मा जी रोहिंग्या मुसलमानों को खराब करने वाले शर्मा जी रोकना पड़ेगा, शर्मा जी धर्म का नाम लेकर के गीता का नाम लेकर के शर्मा जी धर्म की बात हम कर रहे हैं, जो लोग राजनीति कर रहे हैं रोहिंग्या मुसलमानों को राजनीति से मार दिया, ये लोग ऐसे जाते हैं, ये लोग ऐसे जाते हैं बालमुकुंद जी, ये लोग ऐसे जाते हैं। अभी रामायण महाभारत करेंगे आपने इनको नीटो क्या, ये रामायण महाभारत करेंगे इनको नीटो क्या, रामायण महाभारत करेंगे इनको नीटो क्या। आपसे सीधा सवाल हुआ कि तीसरा मोर्चा बन रहा है तो उसमें प्रधानमंत्री कौन बनेगा 2019 में? इस देश में सेवा भाव से काम करने वाले जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने सेवा भाव करने वाले, हम सौदेबाजी करने वाले लोगों के साथ नहीं है, बस सेवा भाव के जितने दल उनके साथ। क्या तस्वीर आपको नजर आती है मोर्चे का, अगर आगे बढ़ता हुआ कितना नजर आता है? देखिए इसमें स्पष्ट है, यह फूट डालने वाली बात है, कौन आगे बढ़ेगा हम तय करेंगे बाद में चीजें। एक ये तो थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, बट इसमें ये डिपेंड करता है, मैं राहुल गांधी की पॉसिबिलिटी को हम रूल आउट नहीं करेंगे क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होगी अलायंस की और कांग्रेस के पास बहुत बहुमत, अगर काफी संख्या में सीटें आ जाती है तो नेचुरली कांग्रेस इस बात के लिए प्रयास करेगी कि हमारा प्राइम मिनिस्टर हो। लेकिन अगर राहुल गांधी के नाम पर हम प्रिज्यूम करते हैं कंसेंसस नहीं होगा तो कोई एक बन सकते हैं जिसपे सबका कंसेंसस हो, कोई मनमोहन डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे वो कोई किसी नेता को ढूंढ करके बना सकते हैं, बन सकता है। जब राजीव गांधी के डेथ के बाद जब उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव को लाया तब भी कांग्रेस में ही स्थिति थी, तो वो बन सकती है, लेकिन वो तब डिपेंड करता है कि कांग्रेस कितना सीट, अब कांग्रेस की सीट कम होती है, रीजनल पार्टीज की ज्यादा होती है, रीजनल पार्टीज आपस में मिल जाते हैं। आखिरी जवाब ले लेते हैं थोड़ा सा देखने वाले, आगे क्या रणनीति आप लोग बनाएंगे कि कम से कम आगे कोई उपचुनाव हो या फिर 2019 की बात कर ले जाए, तैयारियां इस तरह की रखें कि जीत मिले बीजेपी को? निश्चित रूप से मैं बड़े सीरियसनेस के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक तो इस जनादेश को स्वीकार करती है और दूसरा जिस प्रकार का जनादेश आया है इस प्रकार निश्चित रूप से चिंता का विषय है कि ये सीटें हमने खो दी हैं। उसके लिए पार्टी को दोबारा से अपने
जो नीतियां हैं उनका प्रचार प्रसार और जो काम किया है विकास का उसको जनता के बीच में लेकर के निश्चित रूप से जाना पड़ेगा। और जो इस प्रकार से विपक्ष ने इस समय घेरने का प्रयास किया है और उसमें वो कहीं कहीं काफी जगह सफल भी हो गए हैं, उसको उस मिथ्य को तोड़ना पड़ेगा कि विपक्षी दल किस नीति को लेकर के इस देश में क्या करना चाह रहे हैं वो जनता के बीच हमें लेकर के जाना पड़ेगा, ताकि वो चीज स्पष्ट हो कि एक राष्ट्रवादी नीति एक विकास की नीति को किस प्रकार से व्यक्तिवाद की नीति के लिए। तो चर्चा इसी बात को लेकर की कि अब बीजेपी के अच्छे दिन नहीं रखे हैं उपचुनाव के लिहाज से और जो परिणाम आए हैं 2019 पर उनका इंपैक्ट कितना होगा। हालांकि मंथन की बात बीजेपी की ओर से कही गई है, लेकिन देखना होगा कि आगे जो चुनाव आते हैं उसमें ये मंथन जो है वो कितना सफल होता हुआ नजर आता है और आगे जो चुनाव आते हैं। हालांकि ट्रेलर जो है वो नजर आया, लेकिन असली जो तस्वीर है वो अभी बाकी है। फिलहाल आज के लिए चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।